हूँगी बस। मेरा नाम है शमा भाई और मैं शमा ब्लॉग से। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं बाजार को शॉपिंग के लिए गई थी। मैं और मेरी बेटी एमन मेरे साथ है और हम लोग बाजार जा रहे हैं। यहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, उसमें हम जा रहे हैं। और ये आपको मैं फैसलाबाद के रोड दिखाऊंगी। जी, ये अब हम फैसलाबाद का जो मेन सर्कुलर रोड है, यहाँ पे आ गए। इस टाइम बहुत रश है, रश आवर है ये। कल ज़रा टाइम पे ही क्लोज़ हो रही है ना, तो कोरोना का सीज़न भी है, दूसरा सर्दी भी आ रही है काफ़ी। चलें जी आगे, सिग्नल रेड है। मज़े की बात यह है कि फैसलाबाद जो है वो एक बाकायदा नक्शे के तहत बना हुआ है, और तो इसके जो बाज़ार हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो बने हुए हैं। यानी एक सेंट्रल पॉइंट है घंटाघर और उसके इर्द गिर्द आठ बाज़ार हैं, हर बाज़ार के बाहर मेन रोड एक निकलता है और वो फिर मेन रोड सारे बाज़ारों को आपस में कनेक्ट करता है। अब हम ये पहुंच गए हैं कचहरी बाज़ार। वो कचहरी साफ करने वाली होती है जी। ये मेरे साथ रिक्शे में, ऑटो रिक्शा में और भी पैसेंजर बैठे हुए हैं। तकरीबन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। जी आगे भी ट्रैफिक जाम है और शॉप्स हैं, सैनिटरी के काम की, किचन के जो सामान होते हैं, किचन के में लगाए जाने वाले चूल्हे, किचन के जो गैजेट्स हैं, उनकी शॉप्स हैं।
सिग्नल ऑफ है चलेंगे। अब हम जीडीएस चौक उतर गए हैं, यहाँ से हम दूसरा रिक्शा लेंगे और हम एक चेज़ अप नाम का शॉपिंग मॉल है तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, चेज़ अप मॉल पे जाके हम फिर आपको दोबारा आपसे मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।